पर्यायवाची शब्द पेज नंबर 40 और 41। ठीक है, ग्रामर याद भी हमारा क्या है, ग्रामर होगा पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या होता है कि समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। क्या होता है, नाम एक ही होगा, उसका नाम तीन चार नाम भी होगा, लेकिन उसका जो अर्थ जो होगा वो एक ही होगा। जैसे मेरी माँ ने आज खीर बनाई, देखो मुझे माता जी ने पकौड़े दिए। आप बच्चे जानते हैं माता और माताजी शब्द हुआ, तो ये दोनों क्या हुआ, ये एक ही अर्थ है, क्योंकि माँ बोलने से भी मम्मी है और माताजी बोलने से भी मम्मी है। सिर्फ क्या हुआ, अलग अलग नाम से बुलाया गया, लेकिन जो अर्थ जो है, जो मीनिंग जो है वो क्या है, एक है। तो इसी प्रकार ये क्या आपका नंबर वन है, गाय। गाय का अगर आप गो बोलेंगे तो भी आपका गाय है, भेनु बोलेंगे तो भी आपका क्या होगा, ये गाय ही होगा। सेम फूल है, उसका कुसुम बोलेंगे फूल है, सुमन बोलेंगे भी फूल है। पक्षी, पक्षी बोलेंगे भी चिड़िया है, खग बोलेंगे भी चिड़िया है, और विहंग बोलेंगे भी आपका चिड़िया ही होगा। सेम वैसे आँख, आँख का जो है आपका नेत्र बोलेंगे भी आँख है, चक्षु बोलेंगे भी आँख है। उसके बाद नयन भी होता है, उसका नयन भी होगा। ठीक है, उसका जल है, जल को आप नीर बोलेंगे भी आपका जल है, यानी कि पानी है, और नीर बोलेंगे भी आपका पानी ही है। फिर आपका सूरज, सूरज बोलने से भी आपका सन है, भानु कहने से भी आपका सन हो जाएगा, सूर्य कहने से भी आपका सन ही होगा। अनिल, पवन, पवन मतलब हवा, अनिल कहने से भी आपका हवा है, हवा कहने से भी आपका हवाई है। फिर घर, घर का आलय कहने से भी आपका घर ही होगा, अनल कहने से भी आपका घर ही होगा। ठीक है, उसके बाद आपका इस पर आपका जो है घर का जो है आपका यहाँ पर अनन्य होगा, आपका इधर क्या होगा, गृह होगा, क्या होगा आपका, गृह। ठीक है, तो क्या होगा आपका घर का आपका आले और गृह होगा। मानव का आपका मानव, मनुष्य, आदमी, चाहे मनुष्य बोलने से भी आदमी है, आदमी बोलने से भी आपका आदमी होगा। भूमि, भूमि मतलब नीचे जमीन, अगर आप उसको धरती बोलेंगे भी आपका जमीन भी होगा, और आपका धरा बोलेंगे भी आपका जमीन भी होगा। ठीक है, वैसे ही आपका ये क्या है, जैसे गाय का गो धेनु, फूल कुसुम सुमन, पक्षी खग विहग, आँख नेत्र चक्षु, जल पानी नील, सूरज भानु सूर्य, पवन अनिल हवा, गृह आले गृह, घर का आले और गृह, मानव मनुष्य आदमी, भूमि धरती धरा। ओके, इसको आपने लर्न करना है और इसको आपने कॉपी में लिखना है। ठीक है, थैंक यू।